फाइनली दोस्तों iQOO 9 सीरीज इंडिया में आज लॉन्च हो गई है। काफी समय से हम इसका वेट कर रहे थे और आज हमारे पास है। आपको आज मैं सिर्फ iQOO 9 Pro के बारे में ज्यादा बताऊंगा, iQOO 9 के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। अगर आपको वैसे तीन फोन्स लॉन्च हुए iQOO 9 Pro, iQOO 9 और iQOO 9 SE, इनके बारे में अगर आपको और भी जानना है, वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्पेक शीट दिखा दूंगा, आप वहां पर जाके देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। अब वैसे याद रहे दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि iQOO के सर्विस सेंटर का क्या वगैरह वगैरह, तो iQOO Vivo की सब ब्रांड है, ये तो हमें पता ही है। और Vivo के जो 600 प्लस सर्विस सेंटर से आप वहां पर इन फोन्स को लेके जाके जो भी होता है प्रॉब्लम वहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ में ये लोग थोड़ा पावर और परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उनका वो एक टारगेट होता है। एनीवेज, वैसे iQOO 9 Pro दोस्तों आपको दो वेरिएंट्स में मिलेगा, 8256 और 12256। प्राइस आई एम नॉट श्योर, मे बी 60 के ऊपर जा सकता है, 65 के अंदर आ सकता है, कुछ मुझे पता नहीं। जो भी होगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत बातें होगी। वैसे ये iQOO 9 है, इसका भी बॉक्स वैसी है और उसमें कुछ इस तरीके का कलर निकला, शेडेड ऐसा टेक्सचर ब्लैक आपको मिल रहा है। इसमें स्नैपड्रैगन 888+ है और इसमें काफी सारे चेंजेस है, जैसे कि मैंने कहा आप वीडियो के एंड में जाइए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। iQOO 9 Pro की तरफ आते हैं, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये लेजेंड कलर हमारे पास आया है, लेजेंड एडिशन है, तो लेट्स सी ये फोन कैसा दिखता है। ऑलराइट, तो यहाँ से तो हाँ ये वैसे ही है जैसे हमें प्रीवियस जनरेशन में देखने को मिला था, लेकिन थोड़े चेंजेस है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बॉक्स में देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। कुछ कागजात आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और एक बढ़िया, जैसे कि फोन का बैक डिजाइन है वैसे एक बढ़िया उन्होंने आपको बैक केस दिया है, अच्छी बात है। और साथ में आपको कुछ सिम इजेक्टर पिन और 120 वॉट फास्ट चार्जर आपको उन्होंने बॉक्स में दिया है। और आपके दिल में सवाल होंगे कि ये चार्जर से हम जब चार्ज करेंगे तो फोन का क्या, चार्जर क्या, कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये TUV Rheinland सर्टिफाइड है इस मामले में, तो बहुत सारे पैरामीटर्स में प्रोटेक्शन है इसमें। और यहां पर एक टाइप सी केबल है। बस फटाफट से आते हैं हमारे फोन की तरफ, फोन की तरफ आते हैं। डिजाइन और बिल्ड की बात करें, 8.8 mm की थिकनेस, 209 ग्राम्स, थिकनेस अच्छी है, ज्यादा मोटा नहीं लगता है, लेकिन होल्ड करने पर हल्का सा बल्की है। साथ साथ पीछे आपको ये BMW मोटर स्पोर्ट एडिशन है, देखने में काफी प्रीमियम लगता है। वैसे जितने भी फोन्स मैंने फ्लैगशिप देखा हो ये थोड़ा हटके है, थोड़ा दिखने में थोड़ा बढ़िया लगता है। कैमरा लेआउट भी थोड़ा अलग है, थोड़ा सा यूनिक यहाँ पर डिजाइन दिए। और पीछे दोस्तों ये आपको ग्लास बैक मिलता है, स्कॉच सेंसेशन की प्रोटेक्शन उन्होंने यहाँ पर दी है। आईपी रेटिंग्स की कोई बात नहीं हुई तो मुझे नहीं पता आईपी सर्टिफिकेशन क्या है इसके अंदर। फ्रेम्स आपको इसमें मेटल में मिलते हैं और उसी के साथ एक और शायद कलर हो सकता है, उसके बारे में मुझे पता नहीं, अगर होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन दी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिजिकल की बात करें तो नीचे आपको सिम ट्रे है जहां पर आप सिर्फ दो सिम कार्ड लगा सकते हैं। इसमें आपको 4G वोल्टी 5G का सपोर्ट है, 14 5G बैंड से। हाँ, वेरी नाइस, आई थिंक मैंने ये शायद पहला ऐसा फोन अभी अनबॉक्स किया हो जिसमें इतने सारे 5G बैंड्स आपको मिलते हैं। 4G प्लस कैरियर इंटीग्रेशन आपको मिलता है, वेरी नाइस। आपको टाइप सी पोर्ट है, माइक होल है, एक स्पीकर नीचे मिलता है, एक और स्पीकर आपको ईयरपीस में, तो यहाँ पर डुअल स्टेरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं। लेफ्ट साइड प्लेन है, कुछ नहीं है, राइट साइड में पावर बटन, उसके ऊपर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की, और एकदम ऊपर आपको आयर ब्लास्टर भी है, जी हाँ, और आपको एक सेकेंडरी माइक होल भी दिया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका अंडर डिस्प्ले है और ये 3D अल्ट्रासोनिक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। पहले तो दोस्तों इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, जैसे ही मैं टैप करता हूं ये अनलॉक हो जाता है, फिर से आपको दिखाता हूं, ये टैप किया अनलॉक हो गया। उसी के साथ आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ये कितना बड़ा कितना छोटा अगर आप चाहो तो आप सेटिंग्स में जाके वो कर सकते हैं, तो वो एरिया भी आप डिसाइड कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आप इस तरीके से शॉर्टकट्स भी ऐड कर सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब इनको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ फॉर एग्जांपल यूट्यूब में ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लॉक स्क्रीन से ही अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूं तो ये यूट्यूब ओपन कर देगा, तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जब मैंने फिंगरप्रिंट सेट किया था, मैंने ये पहला ऐसा फोन देखा जो इतना जल्दी मेरे फिंगर को रजिस्टर कर लिया जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मैंने बहुत सारे फोन्स में टच करो निकालो टच करो निकालो, इसमें वैसा नहीं था, एक बार प्रेस एंड होल्ड किया फटाफट से रजिस्टर कर लिया। तो ये बहुत ही फास्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पर मिलती है। डिस्प्ले की बात करते हैं, इसमें आपको मिलती है 6.78 इंच की QHD प्लस, यानी कि 2K E5 LTPO वर्जन 2 AMOLED डिस्प्ले। बहुत सारी चीजें मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। LTPO दोस्तों थोड़ा ज्यादा एडवांस होता है, पिक्चर क्वालिटी बेटर होती है और थोड़ा लो पावर कंज्यूम करता है, ये उसकी खासियत है। E5 भी दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ब्राइटनेस उसमें अच्छी देखने को मिलेगी, क्वालिटी जो है थोड़ी और एडवांस है। और उतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको HDR10+, साथ में MEMC, Dolby Vision, ये सब कुछ उन्होंने यहाँ पर दिया है। टिपिकल ब्राइटनेस 500 nits की है
और ये मैक्स जो ब्राइटनेस है वो 1500 निट्स तक जाता है। आउटडोर विजिबिलिटी कमाल की है, इनफैक्ट इंडोर में भी जो व्यू एंगल्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। डिस्प्ले पर वैसे स्कॉट सेंसेशन की आपको प्रेडिक्शन दिया है उन्होंने, और ये कर्व्ड डिस्प्ले, 3D कर्व्ड डिस्प्ले, और इसकी जो कर्वनेस है वो अच्छी है, कम नहीं है, ज्यादा है, तो ज्यादा प्रीमियम लुक देता है जब आप उसको होल्ड करते हैं या वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो वो चीज आपको यहां पर काफी अच्छी मिलती है। वैसे आपको 120 हर्ट्ज की हाईर रिफ्रेश रेट यहां पर मिलती है, डिस्प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा, और उतना ही नहीं आपको 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया है, तो जो टच रिस्पॉन्स है वो भी आपको अच्छा मिलता है। साथ ही साथ अगर आप इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखते हैं वो बहुत अच्छा है, पंचोल काफी छोटा है, चिन भी काफी कम है। साथ ही साथ एक चीज बताना भूल गया मैं, इसमें आपको 10 बिट वाली डिस्प्ले मिलती है। इतनी सारी चीजें उन्होंने दिया कि मेरे दिमाग से एक चीज निकल गई, 10 बिट है दोस्तों, तो अप टू 1 बिलियन तक कलर्स ये प्रोड्यूस करता है। कलर्स बहुत अच्छे थे, पंची थे, एक्सपीरियंस वहां पर भी काफी अच्छा था। परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं, Qualcomm Snapdragon 8 जनरेशन 1 5G चिपसेट, एक बहुत ही एडवांस फ्लैगशिप चिपसेट है, 4nm पर काफी बैटरी इफिशियंट, और मुझे जनरली इस फोन में टेस्ट करना था क्योंकि ये चिपसेट का नेचर है कि काफी हीट होता है, कुछ फोन्स में हो रहा था, कुछ फोन्स में अभी कंट्रोल्ड हुआ है, इसमें होता है नहीं होता है वो मुझे टेस्ट करना था, और मेरा यही काम है, हम क्रिएटर है, हम टेस्ट करेंगे तो ब्रांड को भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, एक लॉजिक है। तो हमने यहां पर क्या किया, पहले एंटू टू स्टार्ट किया, 93% पर बैटरी थी, हमने टेस्ट किया और लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये फोन था उस समय। टेस्ट जब खत्म हुआ तो ये 43 तक चला गया, मतलब राइज काफी हुआ टेम्परेचर, लेकिन फिर भी वहां तक मुझे लगा ठीक है, क्योंकि ये अगर 46, 47, 48 जाता तो हम उसको ओवरहीट बोलते हैं, 45 के अंदर है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया तो ठीक है, पर मैंने ब्रांड को ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कर दिया और मैंने बोला कि आप थोड़ा और उसको ऑप्टिमाइज करिए, तो ज्यादा हीट ना हो तो बढ़िया है, और बैटरी जो ड्रॉप हुई थी वो 6% की हुई थी। उसी के साथ इसमें आपको इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप मिलती है, यानी कि ये आपके फ्रेम रेट्स जब आप गेम खेलते हैं तो उसको वो बूस्ट करता है, और कॉन्ट्रास्ट जो है, कलर्स जो है वो उसको और इंप्रूव करता है। आप खुद जब आप गेम खेलते हो लेफ्ट से जब स्वाइप करोगे तो आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज आपको वहां पर मिलती है। HDR टू HDR यानी कि स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज से हाई डायनामिक रेंज में भी आप स्विच कर सकते हैं, तो और भी आपको पिक्चर क्वालिटी गेमिंग के वक्त जो वो बेटर देखने को मिलेगी। उतना ही दोस्तों, हमने बैटल ग्राउंड्स भी अल्ट्रा पर सेट करके खेला, जो ग्राफिक्स थी वो बढ़िया थी और गेम प्ले भी स्मूथ था, और गेमिंग के वक्त वहां पर ज्यादा हीट मैंने नहीं देखा। उसका रीजन शायद ये भी होगा कि इसमें आपको फुल कवरेज लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है, इसमें हीट डिसिपेशन बहुत बेटर होती है, तो जब आप गेम खेलते कहीं ना कहीं जब वो गर्म होने जाता है तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। तो ये चीज मैंने वहां पर नोटिस किया था। हाँ, बस 90 FPS का सपोर्ट मैंने नहीं देखा बैटल ग्राउंड्स पे, ये नहीं था, ये अगर ऐड कर दे तो बढ़िया रहेगा। वैसे गेमिंग से रिगार्डिंग एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, गेमिंग को थोड़ा और एडवांस करने के लिए, एक्सपीरियंस को और स्मूथ करने के लिए उन्होंने अपना आईकू गेम पैड भी सेपरेटली लॉन्च किया इसी इवेंट के अंदर, और ये देखेंगे इस तरीके से आप एक साइड से इसको लगाकर गेम खेल सकते हैं। वैसे ये ब्लूटूथ सपोर्ट है इसमें, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, की बाइंड करने के बाद मैंने थोड़ा सा सेटअप करने के बाद आप देखोगे तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत और मजा ले सकते हैं गेमिंग का। हमने इस तरीके से जूम वूम रखा है तो आप देख सकते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा इसका मजा लेना है और, तो ये सेपरेटली आई थिंक सोल्ड हो रहा है, तो आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं, इसमें आपको एंड्रॉइड 12 मिलता है, फ्रंट टच ओएस 12 पर ये बेस्ड है, वेरी नाइस, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। 2 साल का आपको ईयरली ओएस अपडेट मिलेगा, यानी कि ये एंड्रॉइड 14 तक अपडेट रहेगा, और साथ में 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलता रहेगा, वेरी नाइस। हाँ, बट इसमें थोड़ा उन्होंने फालतू के कुछ एप्स है जैसे कि मौज है, जोश है, ये नहीं देना चाहिए, बहुत सारी ब्रांड्स करती है, इनको निकाल सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन अगर पहले से ही क्लीन हो तो बेटर हो। साथ ही साथ रैम स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो आपको एनहांस्ड LPDDR5 रैम सपोर्ट, हाँ एनहांस्ड कहीं ना कहीं थोड़ी इंप्रूवमेंट है यहाँ पर, और UFS 3.1 आपको स्टोरेज का सपोर्ट है। PC मार्क जो स्कोर आया, जो हम करते हैं हमेशा की तरह, वहां पर भी स्कोर मुझे ठीक लगा, लेकिन जो ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग जो स्पीड था ना दोस्तों, ये बहुत फास्ट था, मतलब बिल्कुल भी लैग स्टटर मुझे वहां पर नहीं दिखाई दिया, एप्स भी ज्यादातर मेमोरी में रहते, और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, तो डे टू डे लाइफ के जो टास्क है मुझे अच्छा लगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक्सटेंडेड रैम वगैरह भी मिलता है, जैसे कि मेरे पास 12GB है तो ये अप टू 4GB तक आप वर्चुअली उसको एक्सपांड कर सकते हैं, तो ये भी एक चीज उन्होंने दिया है, लेकिन खैर डे टू डे लाइफ के जो एक्सपीरियंस इसमें मुझे मिला है वो बहुत अच्छा था। बैटरी की तरफ आते हैं दोस्तों, 4700 mAh की आपको उसमें बैटरी मिलती है, और साथ में 120W फास्ट चार्जर जैसे कि मैंने आपसे कहा आपको बॉक्स में मिलता है, 50W आपको वायरलेस चार्जिंग भी है, 10W आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। अब जो चार्जिंग है, कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि अराउंड 20 मिनट्स में इसको फुल चार्ज करेगा 100%। हमने जब टेस्ट किया तो 22, 23, कभी 24 भी गया था, मतलब हमने 2-3 बार टेस्ट किया था, तो मतलब 25 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो रहा है, जितने बार भी हमने टेस्ट किया 2 बार किया 25 मिनट के अंदर ही हो गया था, तो चार्जिंग आपको काफी फास्ट मिलती है। इतना ही नहीं, बैटरी बैकअप की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप हैवी गेम खेल रहे हो, ज्यादा बेंचमार्क्स कर रहे हो, हैवी टास्क कर रहे हो, तो बैटरी ड्रेन होती है, लेकिन अगर आप मिक्स्ड यूज करते हो, वीडियोस देखते हो, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो वगैरह, तो मेरा मिक्स्ड यूज है, मैं वैसे ही हूं, तो पूरा दिन आराम से चलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से रात तक कुछ
31% था जब मैंने एक दिन फुल उसको यूज किया था, तो डिपेंड करता है। ऑडियो टेस्टिंग हो जाए, डुअल स्टेरियो स्पीकर्स फुल वॉल्यूम, ओके। एक चीज बहुत अच्छी है, बेस काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया बेस है। मैंने ऐसे बहुत कम फोन्स देखा हूं जिनमें बेस बहुत अच्छा होता है, उनमें से ये कि ज्यादा भी लाउड नहीं है, लाउडनेस ओके, लेकिन बेस काफी अच्छा है, उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस अलग होता है। 3.5 mm जैक नहीं, अनफॉर्चुनेटली आपको वायरलेस या फिर वायर्ड वाले अगर आपके पास टाइप से वाले तो आप उनका इस्तेमाल करेंगे, हमने नहीं किया तो मैं आपको ज्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा। उसी के साथ हैप्टिक्स भी उन्होंने दिया है, एक्स लीनियर मोटर वगैरह डेडिकेटेड है। बेसिकली इससे आप जब भी टाइप करोगे, मल्टीटास्किंग करते हो, तो वहां पर आपको दिन में अच्छा लगेगा, एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। इतना ही, आपको अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, वाईफाई 6 वगैरह आपको मिल रहा है, तो वो भी चीज आपको यहां पर लेटेस्ट मिलती है। फाइनली दोस्तों कैमरे की तरफ आते हैं, अभी पिक्चर बाकी है, बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। 50 megapixel आपको यहां पर प्राइमरी सेंसर मिलता है, ये सैमसंग GN5 आपको सेंसर मिल रहा है। यहां पर आपको 5-axis गिम्बल स्टेबलाइजेशन मिलता है। अब आप बोलेंगे यार इसमें और OIS में क्या फर्क है, तो ये OIS से भी थोड़ा और बेटर होता है। तो जो स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगी, आप ये वीडियो देख लीजिए, हम भाग रहे हैं इसमें, और अगर आप देखोगे तो कितना स्टेबल वीडियो यहां पर निकल कर आया। बेसिकली दोस्तों ये उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा काम करेगा जो जॉग कर रहे हैं, अगर आप कोई साइकिलिंग कर रहे हो या ऐसा कोई टास्क कर रहे हो, तो इसमें जो वीडियो निकलती है उस मामले में वो बहुत ही कमाल की, इसलिए गिम्बल स्टेबलाइजेशन जो उन्होंने दिया है वो बहुत ही एडवांस है। उतना ही नहीं, आपको 8K वीडियो शूट करने मिलेगा 30 fps, 4K इस पे 60 fps दिया है, जी हाँ फुल HD 60 fps, स्लो मोशन मैक्स 240 fps पर है, 960 fps रहना चाहिए था जहां तक मुझे ऐसा लगता है। और उसके अलावा दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल का एक और अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, ये 150 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है, फिश आई जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर अगर आप वो देखते हैं, फील्ड ऑफ व्यू देखते हैं, तो काफी अच्छा है। बट आपको एक और ऑप्शन दिया गया है अल्ट्रा वाइड का, नॉर्मल मोड भी है, आप इसमें भी यहां पर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको एकदम ज्यादा वाइड चाहिए तो आप वो फिश आई वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल चाहिए आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। वैसे अल्ट्रा वाइड में आपको 4K मैक्रो ये सब कुछ मिल जाता है, जो अच्छी बात है। फिर 16 megapixel का आपको पोर्ट्रेट प्लस टेलीफोटो सेंसर उन्होंने यहां पर दिया है, और यहां पर दोस्तों आपको 2.5x ऑप्टिकल और अप टू 30x आपको डिजिटल जूम मिलता है। इसके भी आपको मैं कुछ जूम फोटोज दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं फोटोज काफी अच्छे हैं, यहां पर ज्यादा इशू नहीं हुआ मुझे अगर देखा जाए तो। तो जितने भी सेंसर दिया कोई वेस्ट नहीं, सब काम के, मैं ऐसे कहूंगा। सेल्फी 16 megapixel की है, मैक्स फुल HD वीडियो ही आप शूट कर सकते हैं, वो भी 30 fps पे। अगर 60 fps होता बेटर होता, 4K होता तो और भी ज्यादा बेटर होता, लेकिन एक चीज ये है कि सेल्फी में नाइट मोड नहीं है। हाँ, रियर में मैंने बहुत सारे फीचर्स देखा, सेल्फी में सिर्फ नाइट मोड नहीं था, बाकी ज्यादातर जितने फीचर्स रियर कैमरे के थे वो आपको सेल्फी में भी मिलती। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैमरे सैंपल्स, ऑनेस्टली कहता हूं बहुत ही अच्छे फोटोस आए थे, काफी नेचुरल थे, हालांकि थोड़े कहीं ना कहीं सैचुरेटेड थे, लेकिन देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। डायनामिक रेंज बहुत अच्छा था, बुके शॉट्स पे अगर आप देखोगे तो जो दिन में फोटोज निकल कर आए थे वो बहुत ही इंप्रेसिव थे। सेल्फी देखते हैं, सेल्फी भी बहुत अच्छी है, डायनामिक रेंज भी काफी अच्छा था, मतलब ऑप्टिमाइजेशन यहां पर हुआ है, और एक फ्लैगशिप फोन से मैं यही एक्सपेक्ट करता, बहुत सारी ब्रांड्स फ्लैगशिप में भी सेल्फी में मार खा जाती है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं काम हुआ है और फोटोज जो थे वो बहुत अच्छे निकल कर आए थे। वीडियो रियल से एक और आपको सैंपल दे रहा हूं, देख लीजिए, अच्छा वीडियो है, डायनामिक रेंज भी बढ़िया है, शार्प है, तो इस तरीके से आप बढ़िया वीडियोस निकाल सकेंगे। सेल्फी वीडियो देखेंगे तो सेल्फी वीडियो शार्पनेस तो अच्छी है, बस यहां पर डायनामिक रेंज थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। अगर आप बैकग्राउंड में देखते तो ये मुझे थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर वो लोग इसको फिक्स्ड करते आगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। नाइट में बहुत मजा आया, नाइट में दोस्तों आपको बढ़िया फोटोज निकालने मिलते, हमने नाइट में पोर्ट्रेट लिया, आप देख सकते हैं काफी बढ़िया फोटोज आए थे, ब्राइटनेस अच्छी थी, और दूसरी भी अगर आप शॉट्स देखते हैं नॉइज बहुत कम थी, तो इससे क्या होता है कि फोटोज में क्लैरिटी अच्छी होती है, तो आप देखोगे तो मुझे सही लगा, मुझे ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं थे। इनफैक्ट सेल्फी भी देखते, नाइट मोड नहीं है लेकिन फोटोज देखो काफी अच्छे, और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन काफी बढ़िया फोटोज आए। तो नाइट में विदाउट नाइट मोड आप सेल्फी से बढ़िया फोटोज निकाल सकते हैं। तो यहां पर जाते जाते एक ही चीज कहूंगा, जितना भी हमने टेस्ट किया मैं सेटिस्फाई हूं इस फोन से, जो अच्छा था जो बुरा था आपने पूरा वीडियो देख लिया, वहां पर आप जाके जज करिए, वो तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन हमने जितना टेस्ट किया इंटरेस्टिंग फोन है, काफी पावरफुल फोन है, और मुझे लगता है कि प्राइस अगर आईकू सही सेट करता है तो ये बहुत ही एडवांस फ्लैगशिप उस प्राइस रेंज पर हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो दोस्तों अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो मुझे जरूर से बताना, क्योंकि मैं करने वाला हूं, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस फोन में, तो हम करेंगे। और इनकेस अगर आपको आईकू 9 या आईकू 9 SE का सेपरेट वीडियो देखना है तो बताइए, हम कोशिश करेंगे, वक्त मिलेगा तो उनका भी करेंगे। सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए, और डिस्क्रिप्शन में प्राइस की इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, और अगर आपको स्पेक्स देखना है तो वीडियो के एंड में आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।